मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के रायसेन जिले से सामने आया है। यहां जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ लिपिक आशीष श्रीवास्तव सरपंच प्रतिनिधि से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। बताया गया है कि आरोपी लिपिक सरपंच प्रतिनिधि से रोजगार सहायक को सचिव का प्रभार दिलाने के लिए 25,000 की रिश्वत मांग रहा था। मामला जिले की तहसील गैरतगंज के ग्राम टेहरिम पार का है, जहाँ ग्राम पंचायत टेहरिम पार में प्रभाबाई सरपंच और हरनाम सिंह लोधी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उसने लोकायुक्त में शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में सचिव की पदस्थापना नहीं होने से ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित होता है। जिस पंचायत में सचिव नहीं होते, वहां नियम अनुसार कार्य ग्राम रोजगार सहायक को दिया जा सकता है। हमारे यहाँ सचिव का ट्रांसफर हो गया था सर, तो पंचायत खाली थी, 4-1 महीने हो गए थे। तो जो सहायक सचिव है उसका वित्तीय प्रभार होना था, तो वित्तीय प्रभार के लिए बाबू द्वारा राशि की मांग की जा रही है। बाबू द्वारा किसके लिए राशि? जिला सीओ के लिए, जिला पंचायत सीओ के। जी, कितनी राशि मांग? 20,000। फिर आपने? सर मैंने लोकायुक्त में इसकी कंप्लेंट की, वो लोग आज मेरे साथ आ रहे हैं। उनका बेटा है हरनाम सिंह लोधी, उसके द्वारा यहाँ शिकायत की गई पुलिस अधीक्षक विपुस्ता के पास, और उनको उन्होंने फिर उसको उसके बाद सत्यापन करने के लिए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर हैं, उनको दिया गया। और सत्यापन में ये पाया गया कि आशीष जो श्रीवास्तव हैं, जो यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा कुछ बार्गेनिंग में 20,000 रुपये की फाइनली डिमांड की गई, जिसके तहत अग्रिम कार्रवाई की गई और रंगे हाथ आशीष श्रीवास्तव जी को रंगे हाथ पकड़ा गया है।